शुरुआत मॉर्निंग वॉक के साथ, और हम यहाँ शिफ्ट हो गए थे जैसे आपने पहले ब्लॉग में देखा होगा। आज सुबह का देखा है तो पास में ही एक ट्रैक सा बना हुआ है, तो मैं आ गया। मॉर्निंग वॉक तो डेली करनी ही चाहिए, वो मैं भी करता हूँ, और थोड़ा बहुत रूम का भी सिस्टम सेटअप किया था। तो अभी करते हैं थोड़ी मॉर्निंग वॉक और फिर मिलते हैं आपको ब्रेकफास्ट में। किचन में क्या बन रहा है आज? बस पराठे बन गए दाल के और चाय बन रही है। कैसा लग रहा है? पहले दिन अटपटा लग रहा है। अब सेटिंग हो रही है। सही है। तो आज नाश्ते में चाय मिलेगी। हाँ। और दाल के पराठे। जल्दी करो भाई, ऑफिस के लिए लेट हो जाऊंगा। बस बस दो मिनट। ले आओ फिर फटाफट। तो नए घर में पहली चाय, कप वही है लेकिन चाय यहाँ की नई है जी। ऐसा था कि हमारी जॉब चेंज हो गई थी तो मैं यहाँ शिफ्ट हो गया। कल आपको बताया था कि चित्तौड़गढ़ आए हैं। चित्तौड़गढ़ मेन प्रॉपर सिटी नहीं है। चित्तौड़गढ़ के पास 60 किलोमीटर पर नीमच पड़ता है, एमपी बॉर्डर ही है। एमपी लगता है वैसे, चित्तौड़गढ़ राजस्थान में लगता है। तो नीमच में शिफ्टिंग हो गई है हमारी। तो कल तो सारी अनबॉक्सिंग कर ली थी। किचन हम सबसे पहले सेटअप करते हैं ताकि अपना खाना चालू हो जाए। तो किचन हमने सेटअप कर लिया था और आज ऑफिस भी पहला दिन है जाऊंगा, तो देखता हूँ कैसा क्या माहौल है। फर्स्ट डे ही है। यहाँ से करीब 10 किलोमीटर दूर मेरा ऑफिस है। लंच बन गया है मेरा, टिफ़िन पैक होगा एज इट इज़ जैसे होता था। नई जगह है, थोड़ा अटपटा लग रहा है, लेकिन आज मैं ऑफिस जाऊँगा, फिर मिलता हूँ आपसे कि कैसा रहा मेरा पूरे दिन का एक्सपीरियंस। और सिटी भी मेरे लिए नई है तो मे भी मैं GPS लगा के जाऊँगा, तो देखता हूँ आराम से पहुँचता हूँ कि दिक्कत होती है। और मिलते हैं फिर शाम को और फिर करते हैं थोड़ी बात और बताते हैं कि आगे का क्या प्लान है। और कभी मार्केट भी निकलेंगे, नीमच की ही मार्केट अब आपको देखने को मिलेगी। और हमारे नए फ्लैट में आपको नए ब्लॉग मिलते रहेंगे। तो जी फर्स्ट डे ऑफिस के लिए रेडी हो गया मैं। देखता हूँ रूट क्या है, करीब 20 मिनट तो लगेंगे ही। अपनी स्कूटी से जाऊँगा। तो आप क्या करोगी? हम कोई मूवी निपटा देंगे, थोड़ी बहुत सेटिंग करेंगे, ठीक है, मजे करेंगे। कॉल कर लेना। हाँ ठीक है, थोड़ा अटपटा लगेगा चलेगा। ठीक है चलते हैं। आज फर्स्ट डे ऑफिस का हो गया मेरा, और क्या ही बताऊँ, एडवेंचर हो गया आज मेरे साथ। एडवेंचर क्या हुआ, मैं गया था, मैं फर्स्ट टाइम ही रूट देखना था ऑफिस का, तो GPS लगा के गया। तो दो रूट बता रहा था GPS, जिसमें एक था 10 किलोमीटर का और दूसरा बता रहा था 7.5 किलोमीटर का। तो मैंने सोचा छोटा वाला रूट ले लेता हूँ, तो लगाया GPS भाई, अपने निकाली स्कूटी और चल दिए। अब वो जिन रास्तों से लेके गया वो तो रास्ते मेरे लिए अनजान। और आगे जब मैं मैप पे देख रहा था तो मुझे दिख रहा था कि अब 3 किलोमीटर और बचा है, और आगे देखा तो खाई, और इतना ज़्यादा गैप था कि मैं सोचूं कहाँ जाऊँ भाई। मेरे को तो समझ ही नहीं आया कि मैं हूँ कहाँ। मैंने सोचा अब क्या करूँ, अब तो मुझे रास्ते भी नहीं पता है। तो मैंने वहाँ से सिंपल डाला बस स्टैंड, तो बस स्टैंड फाइनली मेरे को छोड़ के गया, और बस स्टैंड से फिर मैंने रूट डाला अपना, तो फिर फाइनली वो मेरे को ले गया। तो मैं 3 किलोमीटर बचाने के चक्कर में 5 किलोमीटर एक्स्ट्रा चल लिया। तो गूगल बाबा की तो जय हो, लेकिन फाइनली मैं पहुंच गया, और वापस आते टाइम मेरे को सीधा रूट याद था तो आ गया। तो ऐसा रहा मेरा दिन, तो एडवेंचर तो हो ही गया। अभी चलते हैं किचन में, भूख भी लग रही है, देखते हैं क्या बनता है, और मैडम से भी हालचाल लेते हैं कि कैसा रहा दिन उनका। चलो जी। तो अकेले अच्छा लगा? हाँ, हमने तो पता है मूवी देखी। कौन सी? फोन बूथ। फोन बूथ? फोन बूथ। फोन बूथ? ये किसकी आई है? नहीं यार, ये कैटरीना की। अरे अकेले घर में भूत वाली मूवी देख ली, वो भी पहले दिन।
तुमने भी एडवेंचर वाला काम कर दिया, बन गया ना। चलो फिर ले आओ जल्दी से, भूख बहुत तेज लग रही है। वाओ ग्रीन ग्रीन पालक पराठे। ठीक है फटाफट से ले आओ फिर खाना। ले आओ जी ले आओ जल्दी जल्दी खाना ले आओ, बहुत भूख लगी है। तो ऐसा रहा मेरा फुल डे। आज पहला दिन नीमच में, ऑफिस का भी दिन था तो ओवरऑल अच्छा है, मार्केट भी अच्छी दिखी मुझे। ठीक है जी फिर खाना खाता हूँ और मिलते हैं फिर नए ब्लॉग में कुछ और नया लेके। तब तक आप जुड़े रहिए और देखते रहिए मौज मस्ती, और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए अगर नहीं किया है तो, और हमें अपने कमेंट्स और प्यार देते रहिए। बाय बाय।